सिमिलर हो रहे हैं। सेकेंड बायोलॉजी चैप्टर नंबर 22 के अंदर आज हम जीन लिंकेज और क्रॉसिंग ओवर के बारे में बात करेंगे। जीन लिंकेज एंड क्रॉसिंग ओवर। सो सबसे पहले स्टार्टिंग करते हैं जीन लिंकेज से। तो नाम से जाहिर है कि जीन से मतलब जीन, ठीक है। जीन किसे कहा था बोला आपने, इट इज़ अ पार्ट ऑफ डीएनए, ठीक है, या फिर सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स भी कहते हैं, सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स जो कि आगे जाके कोई प्रोटीन बनाते हैं, सही है। और सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड है या पार्ट ऑफ डीएनए। अच्छा लिंकेज क्या कहते हैं कि मतलब ये जो पार्ट ऑफ डीएनए है तो ये लिंक हुआ हुआ है एक और पार्ट ऑफ डीएनए के साथ, ठीक है। जाहिर बात है डीएनए के दरमियान बॉन्डिंग होती है ना, सही। सो अब जो बॉन्डिंग है ये फिजिकल रिलेशन है, फिजिकल रिलेशन यानी दो पार्ट ऑफ डीएनए के दरमियान फिजिकल रिलेशन है, बॉन्डिंग है, केमिकल बॉन्डिंग। तो इससे आप जीन लिंकेज कहोगे, दिस इज नोन एज जीन लिंकेज, ठीक है। कि दो जीन्स के दरमियान अगर फिजिकल रिलेशन है कोई कि वो आपस में जुड़े हुए हैं, ठीक है, उन्हें आप कहेंगे जीन लिंकेज, या फिर इसे आप लिंकेज ग्रुप का नाम भी दे सकते हैं, सही है नहीं, क्योंकि जो जीन्स हैं वो लिंक्ड है। फॉर एग्जांपल इन एक क्रोमोसोम है, वन क्रोमोसोम, सही है, और इसके अंदर फॉर एग्जांपल मुख्तलिफ जगह पे मुख्तलिफ जीन्स हैं, मसलन एक ए जीन है, एक बी जीन है, एक सी जीन है, एक डी जीन है। तो जो ए बी सी डी है ये एक लिंकेज ग्रुप बना रहा है, लिंकेज ग्रुप, यानी इन्हें आप सेपरेट नहीं कर सकते, ठीक है। तो ए बी सी डी एक लिंकेज ग्रुप है, यानी हर क्रोमोसोम्स के अंदर जो जीन्स हैं वो सब एक लिंकेज ग्रुप बनाते हैं, सही। तो जो ह्यूमंस हैं, ह्यूमन, ठीक है, उनके अंदर कितने क्रोमोसोम्स होते हैं, 23 क्रोमोसोम्स हैं, ठीक है, और हर क्रोमोसोम्स के अंदर जीन्स मौजूद हैं। तो यानी हमारे पास ह्यूमंस के अंदर 23 लिंकेज ग्रुप बनेंगे, ठीक है, 23 लिंकेज ग्रुप बनेंगे ऐसे। इसकी एग्जांपल भी है, मसलन जो एक्स क्रोमोसोम होता है, ह्यूमन एक्स क्रोमोसोम, ह्यूमन एक्स क्रोमोसोम जो कि आपका 23rd पेयर के अंदर आता है, ठीक है, एक्स क्रोमोसोम, ठीक है, इसके अंदर मुख्तलिफ जीन्स होते हैं, सही है। फॉर एग्जांपल इसके कौन कौन से होते हैं, ब्लाइंडनेस का जीन है इसके अंदर, सही है, इसके अंदर हीमोफीलिया बीमारी है एक ब्लड की, हीमोफीलिया उसका जीन है, फिर इसके अंदर और इसमें गाउट एक बीमारी होती है, जोड़ों की बीमारी होती है बेसिकली, ठीक है, ये भी एक ऑटो इम्यून कह लेंगे फैमिली में रन करने वाली बीमारी होती है, तो इसका जीन भी। तो इस तरह जो क्रोमोसोम नंबर 11 है ह्यूमन का, क्रोमोसोम नंबर 11, इसके अंदर भी अनीमिया का जीन होता है, ठीक है, अनीमिया भी ब्लड डिसऑर्डर है, फिर ल्यूकीमिया है एक, ये भी ब्लड डिसऑर्डर है, ठीक है, और एल्बिनिज़म, ठीक है, जो एल्बिनिज़म एल्बिनो चाइल्ड्स होते हैं उनका प्रॉब्लम होता है, सो क्रोमोसोम नंबर 9 पे, और ये सब क्या है, एक लिंकेज ग्रुप बना रहे हैं, वो एक ही क्रोमोसोम पे मौजूद है, सही। अच्छा जो मेंडल्स लॉज है ना, सॉरी मेंडल्स लॉज डू नॉट अप्लाई ऑन लिंकेज ग्रुप, ठीक है, कि लिंकेज ग्रुप्स के ऊपर ये अप्लाई नहीं होते। इसकी वजह क्या है, व्हाई दे डू नॉट अप्लाई ऑन द लिंकेज ग्रुप, क्योंकि दे डू नॉट सेग्रीगेट, सेग्रीगेट ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन, सही है, कि गैमेट फॉर्मेशन जब होती है तो वो सेग्रीगेट यानी अलग अलग नहीं होते। तो इसकी एग्जांपल ये है, मसलन आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है फिगर, एक क्रोमोसोम है, ठीक है, इसके अंदर ए बी सी तीन जीन्स हैं, ठीक है, उनके फिर एलील्स हैं, कैप स्मॉल ए स्मॉल बी और स्मॉल सी, सही।
तो ये एक कह लें कि क्रोमोसोम है, सही है, और फिर इनमें क्रॉसिंग ओवर होती है, सही है। अब जो ए बी है वो अपनी साइड पे रहेगा, ठीक है, यानी हालांकि जो सी है वो एक दूसरे से एक्सचेंज होंगे हैं, लेकिन ए बी अपनी साइड पे, तो ये ए बी एक दूसरे के साथ क्या है, लिंक्ड ग्रुप है, तो इनके अंदर ट्रेड्स यानी अलहदा ही नहीं होते, ठीक है। ए बी सी में से सी तो अलहदा हो गया, लेकिन ए बी आपस में से अलहदा नहीं होते, तो डू नॉट सेग्रीगेट, तो ये जीन लिंकेज आ गए, सही। अब हम स्टडी करते हैं क्रॉसिंग ओवर को, क्रॉसिंग ओवर की वजह से ये भी एग्जाम्पल है, ये भी एक किस्म की ना क्रॉसिंग ओवर है, एक्चुअली ये क्रॉसिंग ओवर नहीं है लेकिन एक किस्म की क्रॉसिंग ओवर है, क्योंकि इसमें जीन्स कह लें कि जो डी एन ए वो अपना पार्ट एक्सचेंज करें, सिमिलरली क्रॉसिंग ओवर में भी यही होता है कि डी एन ए अपना पार्ट एक्सचेंज करता है, फॉर एग्जाम्पल ये। अच्छा, क्रॉसिंग ओवर इससे पहले हम ऐसे पढ़ चुके हैं, पिछले चैप्टर के अंदर हमने इसके बारे में स्टडी किया था। सो क्रॉसिंग ओवर क्या है, अगर मैं इसकी खाली डेफिनेशन लिखूँ तो इट इज़ नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स एक्सचेंज देयर पार्ट्स, ठीक है, कि जो मतलब दो क्रोमोसोम्स हैं, फॉर एग्जांपल फिगर में आ जाते हैं, ठीक है, तो फिगर नीचे बनी हुई है, इसके अंदर आपको दो क्रोमोसोम नजर आएंगे, एक ये मतलब ब्लू है और एक रेड है, सही, दोनों बाईवेलेंट क्रोमोसोम्स हैं, सही। अच्छा, ये ब्लू के अंदर ये जो दोनों होंगी ये सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं, दीज आर सिस्टर क्रोमेटिड्स। अच्छा, सिस्टर क्रोमेटिड्स क्यों कह रहे हैं, क्योंकि ये सेम क्रोमोसोम की है, ठीक है, जबकि ये दोनों एक दूसरे के हिसाब से नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स। सो क्रॉसिंग ओवर में क्या होगा, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स अपने एक्सचेंज करते हैं पार्ट को, मतलब ये ए सी और स्मॉल ए स्मॉल सी, ये आपस में एक्सचेंज होंगे, ठीक है, यानी हम लोग उस क्रोमोसोम साइनेप्सिस करते हैं, एक दूसरे के करीब आते हैं, सही है, साइनेप्सिस के बाद हम लोग उस क्रोमोसोम्स अंडर को क्रॉसिंग ओवर, उसके बाद क्रॉसिंग ओवर होता है, उसमें जो टेट्राड का स्ट्रक्चर बनता है, ठीक है, इससे पिछले लेक्चर के अंदर हम ये जो मियोसिस, अच्छा जो क्रॉसिंग ओवर होती है, क्रॉसिंग ओवर अकर्स इन, कब होती है बोला, इन मियोसिस, मियोसिस में भी मियोसिस वन के अंदर होती है, और कौन सा फेज होता है, प्रोफेज वन, तो बेशक आप जल्दी से उस लेक्चर को स्टडी कर सकते हैं, प्रोफेज वन के अंदर किस तरह मियोसिस हो रही होती है, ठीक है, उसके अंदर हमने फेजेस बनाए हुए थे मजीद, प्रोफेज वन के अंदर लेप्टोटीन, जायगोटीन और इस तरह, ठीक, उसके अंदर हमने देखा था कि कहाँ पे मियोसिस हो रही है, किस तरह सारा क्याज मेटा फॉर्मेशन वगैरह होती है, तो बेशक उस लेक्चर को रिवाइज कर सकते हैं यहाँ पे, सही। सो लेकिन हम यहाँ पे बेसिकली वो चीज़ क्यों पढ़ना चाह रहे हैं, कि आप यहाँ पे देखेंगे कि क्रोमोसोम्स बेसिकली अपना पार्ट्स एक्सचेंज कर रहे हैं, ठीक है, इसकी वजह से क्या आएगी, वेरिएशंस इन जेनेटिक्स, ठीक है, कि जीन्स के अंदर वेरिएशंस आएंगी, कि जीन्स बेसिकली शफल होंगे, ठीक है, शफलिंग ऑफ जीन्स हो रही है, तो शफलिंग की वजह से वेरिएशंस आएंगी, और वेरिएशंस की वजह से क्या होगा, एवोल्यूशन, जिसे आप कहते हो जिद्दत, ठीक है, कि आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें जदीद होती जाएंगी, यानी एवोल्यूशन होगा, और जो इसमें क्रॉसिंग ओवर ये बेसिकली इसके लिए रॉ मटेरियल का काम कर रही होती है, रॉ मटेरियल, सही है, क्रॉसिंग ओवर होगा, आपके जेनेटिक्स में वेरिएशंस आएंगी, नई नई अडाप्टेशंस आएंगी, और उसकी वजह से एवोल्यूशन होगा। सो अगर ये क्रॉसिंग ओवर या जो कह लें कि मियोसिस है, मियोसिस ना हो तो हम सब एक आइडेंटिकल कापी, अगर सिर्फ माइटोसिस तो आइडेंटिकल कापीज़ बनेंगी, अगर किसी एक को बीमारी होगी तो वो सबको लग जाएगी, सही, तो लेकिन ऐसा नहीं है, लेकिन हमारे जीन्स जो हैं वो शफल होते रहते हैं, ठीक है। सो ये क्रॉसिंग ओवर, अच्छा इसके बाद जो वेरिएशंस आ रही हैं, वेरिएशन जेनेटिक्स हैं, इसे आप रिकम्बिनेशन भी कहते हैं, ठीक है, इट इज़ आल्सो नोन एज वेरिएशंस को आप वेरिएशंस इन कर लो, इन क्रॉसिंग ओवर जोन्स हैं, ठीक है, जब कह लें कि नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स आपस में पार्ट्स एक्सचेंज करते हैं, अपने हिस्से एक्सचेंज करते हैं, तो वेरिएशंस जेनेटिक्स को आप
रिकम्बिनेशन भी कहते हैं, क्योंकि रिकम्बिनेशन से क्या मतलब है, रिके मतलब अगेन, कम्बिनेशन से मतलब दोबारा मिलना, ठीक है, तो वो नई नई चीज़ें नए तरीके से जोड़ती हैं, सो इट इज़ रिकम्बिनेशन प्रोसेस, ठीक है। तो हम रिकम्बिनेशन, अब इसे मैयर भी कह जाता है, ठीक है, हाउ टू मैयर कह लें कि वेरिएशन, ठीक है, टू मैयर के नापने के लिए वेरिएशन, तो हमने एक प्रोसेस रखा हुआ है कि नाम कह लें रिकम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी से कहा जाता है, रिकम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी, ठीक है, कि हम जो वेरिएशंस को मेजर करने के लिए क्या यूज़ करते हैं टर्म रिकम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो इसके अंदर हम ऊपर वाली डायग्राम का सहारा लेते हैं, फॉर एग्जांपल इसे मैं कॉपी करके एक दफ़ा नीचे ले आता हूँ, सो ये डायग्राम है, इसके अंदर आप देखें तो ये वाला और ये वाला, ये पेरेंट क्रोमोसोम्स हैं, ठीक है, पेरेंट क्रोमोसोम्स हैं, यानी इनके अंदर अभी क्रॉसिंग ओवर नहीं हुए, फिर उसके बाद होने के बाद, ठीक है, आपको ये जोन से हैं जिसके अंदर आपको ए सी यानी कैपिटल ए स्मॉल सी, स्मॉल ए और कैपिटल सी मिल रहा है, ये रिकम्बिनेंट टाइप्स हैं, ठीक है, ये रिकम्बिनेंट टाइप्स हैं। सो क्या होता है कि क्रॉसिंग ओवर के होने के बाद, ठीक है, सब सारे तो क्रॉसिंग ओवर नहीं करते, इसमें कुछ पेरेंटल टाइप्स निकलती हैं और कुछ इसमें रिकम्बिनेंट टाइप्स होते हैं, ठीक है, मसलन ये दो जो से हैं ये पेरेंटल टाइप्स हैं, ठीक है, और ये दो जो से हैं ये रिकम्बिनेंट टाइप्स हैं। तो रिकम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी किस तरह निकालते हैं, बेसिकली इसी को मैं इधर आगे एक्सप्लेन करता हूं। रिकम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए अगर करते हो कि रिकम्बिनेंट टाइप्स टाइप्स डिवाइड बाय जितनी भी रिकम्बिनेशन है, सम ऑफ ऑल कम्बिनेशन, ठीक है। तो वैसे कम्बिनेशन कितने किस्म की हैं, दो किस्म की हैं, एक तो पेरेंटल टाइप्स की है जिसमें कोई रिकम्बिनेशन नहीं हो, फिर दूसरा रिकम्बिनेंट टाइप्स है। सो फॉर एग्जांपल अगर हम कहें हमारे पास जो पेरेंटल टाइप्स आ रही हैं वो फर्स्ट वन की 40 आती है, इसकी 40 आती है, इसकी 10 टाइप्स आती हैं, इसकी हमारे पास 10 है, ठीक है, 10 कॉपीज आती हैं, 10 कहने के हमारे पास। सो अगर आप इसकी फ्रीक्वेंसी कम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी निकालेंगे, किससे निकालेंगे, रिकम्बिनेंट टाइप्स के अंदर आपके पास ये 10 + 10 हो जाएगा, 10 + 10, सही, और जबकि टोटल में आप 40 + 40 + 10 + 10 करेंगे, फिर 20/100 जैसे आप 20% भी कर देंगे, 20/100 या 20% भी कह सकते हैं, तो रिकम्बिनेशन कितनी आ रही है इसके अंदर हमारे पास 20%, सही है। सो ये रिकम्बिनेशन फ्रीक्वेंसीज है। अच्छा, जो एक और चीज़ यहाँ पे है कि एक होता है जीन डिस्टेंस, ठीक है, मसलन जो ए से लेकर सी तक डिस्टेंस है, इसे आप क्या कहोगे, जीन डिस्टेंस, जिससे जीन लिंकेज था, इसमें जो जीन के दरमियान डिस्टेंस होगा उसे आप बता देंगे सिंपल जीन डिस्टेंस, सही। तो जो रिकम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी है जो अभी हमने फार्मूले के जरिए फाइंड किया, रिकम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है जीन डिस्टेंस के, जीन डिस्टेंस के ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी, क्यों, जाहिर बात है कि जितने जीन्स दूर दूर होंगे, मसलन अगर एक सी का जीन्स यहाँ पे, अगर एक यहाँ पे बी का जीन्स है, ठीक है, तो बी का जीन तो साथ एक्सचेंज हो जाएगा, रिकम्बिनेशन होने के चांसेस कब ज़्यादा होंगे, जब इनके दरमियान फासला ज़्यादा होगा, जितना ज़्यादा फासला होगा उतने ज़्यादा चांसेस हैं कि ये क्रॉसिंग ओवर के अंदर इन्वॉल्व हो, ठीक है। तो इसके लिए फिर एक यूनिट रखी हुई है इन्होंने, यूनिट्स, अगर किसी की रिकम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी, ठीक है, जिससे मैं कहता हूँ आर एफ फॉर एग्जाम्पल, रिकम्बिनेशन अगर 20% है, ठीक है, इसका क्या मतलब है कि जो जीन्स हैं बेसिकली, इट मीन्स दैट, इसका मतलब ये है कि जो जीन्स हैं, ठीक है, जो कि इन्वॉल्व हैं रिकम्बिनेशन के अंदर, सही, कि जीन्स कह लें या जो लिंक्ड जीन्स हैं, लिंक्ड जीन्स आर 20 यूनिट्स अपार्ट से मतलब कि 20 यूनिट्स दूर है, कि इनके दरमियान जो सा
मसलन अगर इसी की बात करें, अगर इसका आर एफ 20 है तो इसके दरमियान जैसे 20 यूनिट्स वो दूर होंगे एक दूसरे से, ठीक है, कि बीच में 20 यूनिट्स जीन्स के अलग अलग पड़े होंगे उनसे वो दूर होंगे, ठीक। तो ये रिकॉम्बिनेंट फ्रीक्वेंसी है जिसको आप कह लें कि थोड़ा बहुत मैथमेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से या स्टैटिस्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से हम यूज़ करते हैं। तो रिकॉम्बिनेशंस किस वजह से हो रही हैं, क्रॉसिंग ओवर वजह से हो रही हैं, और इसका बेनिफिट क्या है कि ये एवोल्यूशन के अंदर या फिर कह लें कि अडाप्टेशन के अंदर जो नई नई कह लें कि वैरायटी आती है लाइफ के अंदर, लाइफ के अंदर जो वैरायटी है वो इन्हीं की वजह से है, सही। सो ये हो गया हमारा आज का लेक्चर जिसके अंदर हमने क्रॉस सबसे पहले जीन लिंकेज स्टडी किया, फिर क्रॉसिंग ओवर, देन लास्ट में हमने रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसीज और फिर यूनिट्स जो यूनिट्स हमने रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी के यूनिट्स निकाले तो उसका हमने कैलकुलेशन का मैसेज पढ़ लिया। थोड़ा कैलकुलेशन को रिवाइज कर लें हम कि मसलन रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी किस तरह होगी, रिकॉम्बिनेंट्स टाइप्स तो जो रिकॉम्बिनेंट्स टाइप हैं सिर्फ डिवाइड बाई सम ऑफ ऑल द कॉम्बिनेशन, यानी इसमें रिकॉम्बिनेंट भी आ जाएगा प्लस जो पेरेंटल टाइप्स हैं उनको आप सम कर लेंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर 40 आपके पास और 40 पेरेंटल टाइप्स यानी टोटल 80 पेरेंटल टाइप्स आ रही हैं, रिकॉम्बिनेंट में आपके पास 20 आ रही है तो 20/100 20% आ जाएगा। और 20% से क्या मुराद है कि जो जीन्स है बेसिकली जिसके आपने रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी फाइंड की है वो एक दूसरे से 20 यूनिट्स अपार्ट है, सही। सो ये हो गया आज का लेक्चर। अगले लेक्चर के अंदर हम सेक्स डिटर्मिनेशन, ठीक है, और फिर पैटर्न ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन के बारे में बात करेंगे।